मार्क्स जो है मेरी 66.67 है और ऑल इंडिया रैंक मेरी 43 है। आपने बीएससी बीएड डिग्री के साथ आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी है। हाँ। तो इस डिग्री के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आता? ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाय एवरीवन, दिस इज भारतीन एंड आज हमारे साथ है सोनिया, जिनकी आईआईटी जेईई में ओल्ड इंडिया रैंक 43 है ये इन आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स 2020-25। सो सोनिया, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 43। थैंक यू भैया। सो सोनिया, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कहां से बिलोंग करती हैं। ठीक है। सो माय नेम इज सोनिया गुप्ता एंड आई बिलोंग टू राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट और मेरी अभी मैं फाइनल ईयर बीएससी बीएड के फाइनल ईयर में हूँ और ये जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें ग्रेजुएशन जिसमें मैं कर रही हूँ बीएससी बीएड है, 4 ईयर का कोर्स है जिसके अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और अभी मैंने करंटली जैम का पेपर दिया था 2025 का जिसमें मेरा स्कोर जो है वो 60 मार्क्स जो है मेरी 66.67 है और ऑल इंडिया रैंक मेरी 43 है। ओके, सो दैट्स रियली ग्रेट यार, आपके 66.67 मार्क्स हैं, दैट्स रियली ग्रेट। तो सोनिया, स्टार्ट करते हैं आपकी जेईई की जर्नी के साथ, क्योंकि आपने काफी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी होगी तभी आपके 66.67 मार्क्स आए हैं। सो सोनिया, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको आईआईटी जेईई में एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? सो मुझे आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में मेरे एक भैया हैं रिलेशन में, उन्होंने भी आईआईटी जेईई के थ्रू ही आईआईटी दिल्ली से एमएससी करी थी तो उनसे मुझे पता चला कि आईआईटी से हम एमएससी भी कर सकते हैं तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी बीएससी के बाद आईआईटी के थ्रू एमएससी करूं। तो फिर मैंने अपने लास्ट जो थर्ड ईयर चल रहा था जब मेरा, तो फिर मैंने उसमें सोचा कि मैं भी इसके लिए प्रिपेयर करती हूं तो इसलिए मैंने उसका एग्जाम 2025 में दिया फिर ऐसे। ओके, और आपने बीएससी बीएड डिग्री के साथ आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी है। हाँ। तो इस डिग्री के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आता था? अभी कॉलेज के साथ रेगुलर आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इवन बीएड का कोर्स थोड़ा ज्यादा हेक्टिक माना जाता है, उसमें असाइनमेंट्स और आपको प्रैक्टिकल्स ये ज्यादा करनी पड़ती है, तो क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते थे और अगर कर पाते थे तो कैसे कर सकते थे? सो एक्चुअली क्या यहाँ पे बीएड में क्या अटेंडेंस का भी बहुत इशू होता है कि आपको प्रॉपर अटेंडेंस भी करनी होती है और माइक्रो टीचिंग वगैरह भी इसमें रहती है तो और लेसन प्लान्स वगैरह बनाओ तो इसमें भी बहुत टाइम जाता था मेरा तो इसलिए मैंने क्या जब इसमें क्या होता है इंटर्नशिप्स भी होती हैं देनी करनी होती है स्कूल्स में जो कि 4 मंथ्स की थी थर्ड ईयर में मेरे, तो उस टाइम पे मैंने उसको यूटिलाइज किया। जो 4 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप आई जब थर्ड ईयर में तो मैंने क्या किया उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन की थी इसके लिए आईआईएम का जयपुर से, तो वहां से मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करा। मैंने ऐसा स्कूल चूज किया इंटर्नशिप करने के लिए बीएड के लिए जहाँ पे मुझे इतना जाना नहीं पड़े, तो फिर मैंने क्या करा उस टाइम पे जयपुर में कोचिंग है वहां से मैंने इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और मेनली मेरा जो थर्ड ईयर का जो टाइम है ना मैंने वो डेडिकेटली इसको दिया है जेईई को ऐसा है। और फर्स्ट सेकेंड ईयर तो मैंने बेसिकली जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता गया वो थोड़ा बहुत कवर कर दी गई ऐसा है, प्रॉपर टाइम मैंने आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में लग चुके थे बेसिकली, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, थोड़ा बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप था, मेन जो तैयारी है वो थर्ड ईयर की है ऐसे। ओके, और आपने ऑफलाइन कोचिंग दी थी जैसा आप बता रहे हो, आईएम कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हुए थे? ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा सोनिया, अभी मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि आप बता रहे हो कि एक ऑफलाइन कोचिंग से आपने इस एग्जाम को क्रैक किया, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आजकल यही चल रहा है ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में, आईआईटी जेईई की इंडस्ट्री में अभी ये लहर चल रही है कि ऑफलाइन कोचिंग भी आ गई है और ऑनलाइन कोचिंग भी आ गई है, तो स्टूडेंट्स को आप कौन सी कोचिंग रिकमेंड करना चाहोगे कि उन्हें ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मेरे को तो ऑफलाइन कोचिंग बेटर लगती है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ जाकर और वहाँ टीचर सामने होते हैं और एक मतलब एक्सपीरियंस ऐसा लगता है रियल लगता है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं वहीं पे और एक औरों को भी देखते हैं ना और साथ के बच्चे पढ़ रहे तो ऐसा लगता है हाँ ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं और उससे बेटर करूं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है और कुछ नहीं भी आ रहा तो दोस्तों से पूछ लो, वहां जाके टीचर से भी पूछ लो। और मैंने ऑफलाइन कुछ
देखा है ऑफलाइन में क्या है कि अपन मतलब पंचुअल नहीं रह पाते, डेली बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है उसमें, तो क्या होता है कि और ऑनलाइन में तो क्या कहते हैं टाइम पे नहीं लेते उसको, रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं तो वो पेंडिंग भी होता जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये तो आजकल डिजिटल के कारण ऑनलाइन आ चुका है, बट ऑफलाइन तो बेस्ट है ऐसा। हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि ऑनलाइन अगर करें तो अपना एक वो फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाता, बस ऑनलाइन टेक्सटिंग पे बात होती है या वो डिस्कशन का माहौल नहीं बन पाता। सो ऑफ कोर्स हाँ ये टाइम ऑफलाइन पे इज मच बेटर देन नहीं ऑनलाइन। बन पाता ऐसा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा सोनिया, अभी अब आपकी ओल्ड एज 43 आ गई है, सो मैं जानना चाहूंगा कि आपने आपकी प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटेजी और क्या शेड्यूल फॉलो किया था जिसके कारण आपकी ओल्ड एज 43 आई है। आप अपना शेड्यूल और स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको उनकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। मेरा क्या था, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी आईआईएम में, तो वहां पे सुबह डेली का क्लासेस लेने जाना होता था, जो कि होती थी कभी जो होती थी 8 से 12 बजे तक होती थी, दो क्लासेस लगती थी जिसमें मोस्टली तो सिलेबस जो रियल का और लीनियर का होता है तो ज्यादा क्लासेस उसकी लगती थी। बिल्कुल और बिल्कुल जैसे है ना, और जैसे ओडीई है और इंटीग्रल है, इन सब की भी वो टाइम मैनेज वो तो उनका कोचिंग का ही था कि किस अकॉर्डिंग उन्हें लगाना है। तो सुबह 8 से 12 क्लासेस लेने जाना, उसके बाद आना पीजी में आना, और उसके बाद वहां पे आते ही जो सारा वहां पे किया है, जो भी हुआ है वहां पे, नोट्स वगैरह बनवाए हैं है ना, तो उनको रिवाइज करना आके जो पढ़ा है हमने वहां पे लीनियर में रियल में जो भी नोट्स वगैरह, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको एक बार आके रिवाइज कर लो, समराइज कर ले, तो रहता है कि हम नेक्स्ट क्लास में अगले दिन जाएंगे तो हमें माइंड में रहेगा कि क्या चीज हमने पढ़ी है, और अगली क्लास अच्छे से ले भी पाएंगे इसलिए। और फिर उसके बाद बिल्कुल जैसे, बिल्कुल और उसके बाद क्या है कि मैंने ये रिवाइज कर लिया, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत एक 2 घंटे की नैप, 1-1.5 घंटे की नैप मैं लेती थी दिन में, सॉरी दोपहर में है ना। और उसके बाद मैंने जैसे उसके बाद क्वेश्चंस का रिवीजन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो मेरे को असाइनमेंट्स मिली हुई थी कोचिंग से उसको लगाना पर्टिकुलर टॉपिक की, वो सब करती थी। और मोस्टली मैं ना मॉक टेस्ट मतलब एंड जो पेपर आने वाला था उस टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए, मैं मानती हूँ उससे मेरा ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हुई है मॉक टेस्ट देने से, जो वो मैंने बहुत लगाए हैं इसलिए, इस तरीके से अच्छा, था। आप अभी मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो हाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट की आईआईटी जेएम एस्पिरेंट की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। बेसिकली आप ये बताइए कि आपको जो मॉक टेस्ट है, जो पीवाईक्यू है, उन्होंने कैसे हेल्प करी टू क्रैक आईआईटी जेएम एग्जाम। मॉक टेस्ट ने कैसे हेल्प करी मेरी, तो मॉक टेस्ट ने जैसे मॉक टेस्ट जो है वो एक तरीके का क्या कर, बिल्कुल जब हम पेपर देने जा रहे हैं उस टाइम पे जो हमें एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल हमें मॉक टेस्ट में मिल रहा होता है, बिल्कुल टाइम बाउंडेड होंगे किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमारे पे बहुत सारे साइड में ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट, ये सब आ रहा होता है, तो उससे हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाता है कि हमें वहां पे किस तरीके से उस पेपर को देना होगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ना। तो उसमें मैंने उससे ये भी समझा मॉक टेस्ट देने से कि हम है ना पेपर को उस टाइम पे किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे वहां पे इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं ए बी एंड सी, तो उसमें पहले मुझे मेरे को कौन सा सेक्शन सही लग रहा है अटेम्प्ट करने के लिए, मुझे पहले बी करना चाहिए या ए करना चाहिए सी करना चाहिए। तो मैंने जैसे तैयारी करते समय मॉक टेस्ट दिए जब, तो मुझे समझ आया कि मुझे सब मैंने जो था वो सी सबसे पहले करती थी, देन ए एंड देन बी, मुझे सबसे पहले उसमें मेरा अच्छा स्कोर भी और टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। तो मैंने सबसे पहले सी सेक्शन देन ए एंड देन बी, इस तरीके से मैं करती थी। और मैं मानती हूँ जैसे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको भी हमें मॉक टेस्ट के तरीके से ही देना चाहिए टाइम बाउंड होके, क्योंकि बहुत सारे एप्स मॉक टेस्ट के लिए हैं, एप्स वगैरह जो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि पीवाईक्यूज भी मॉक टेस्ट की तरह हम दे सकते हैं उनको, तो वो भी जो पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो भी मैंने मॉक टेस्ट के तरीके से ही दिए थे। दैट्स रियल नाइस। अच्छा सोनिया, अभी एक चीज और आपने बोली कि आप जैसे मॉक टेस्ट देते थे, तो उसको जैसे जब भी अपनी मॉक टेस्ट में अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इनिशियली क्या होता है, अपना हर पेपर में मार्क्स अपन फुल स्कोर नहीं कर पाते,
कुछ मार्क्स डिडक्ट हो ही जाते हैं, तो उस टाइम अपने को डिमोटिवेशन फील होता है यार, अपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, और इनिशियली तो स्टार्टिंग जीरो से भी होती है। तो आपने जब ये स्टार्टिंग करी मॉक टेस्ट देने की, तब आपके स्टार्टिंग में मार्क्स कितने आते थे, और आपने इस चीज को कैसे डील किया और इसको कैसे इम्प्रूव किया? आई मीन टू से कि आपने अपनी मिस्टेक्स को कैसे एनालिसिस, उसका कैसा एनालाइज किया, और देन आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया? मैंने जो है अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, जैसे मेरे बहुत, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन कोचिंग वाली है बहुत कम टाइम की रही है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत पहले से भी प्रिपेयर करके आए होते थे, तो इतना अच्छा स्कोर स्टार्टिंग में नहीं रहता था मेरा, है ना। तो फिर मुझे भी लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो, क्या क्या कमी है। तो मेरा क्या रहता था, जो भी मैं पेपर दे के आ रही हूँ कोचिंग में, जैसे संडे टू संडे पेपर होते थे हमारे, तो वहां पे दे के आई तो नहीं आया स्कोर, तो सबसे पहला मेरा क्या फोकस रहता था कि जो पेपर मैंने दिया है उसको पूरा एनालाइज करना, घर पे आके उसको सॉल्व करना, जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको डाउट पे लगाना, और अगले दिन जाके जो डाउट टीचर है उनसे पूछना, है ना। एक चीज ये थी, और जो वीक क्वेश्चंस है, जो भी मेरा टॉपिक है जिसका नहीं आ रहा, तो उसके असाइन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो लगाना, इस तरीके से मैं करती थी। और मेरा क्या था, मेडिटेशन भी मैं करती थी, जिससे थोड़ा काम और फोकस फील करूं, इस तरीके से था। ओके। सो अच्छा, आपने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कभी कोई जर्नल रेफरेंस बुक फॉलो करी है? अभी तक तो नहीं की है, कोचिंग कोचिंग का ये मटेरियल पूरा था, नोट्स उनके और असाइनमेंट्स भी वहीं से जो मिलते थे वो ही कर रहे हैं ऐसे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आती है कि भैया आप हमें ये बताइए कि हमें बुक फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसको बुक फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर उसके पास अभी वो कोई कोचिंग में एनरोल नहीं है, या अगर वो इन फ्यूचर अगर कोई कोचिंग में एनरोल करता है तो कह नहीं सकते, बट इनिशियली एट दैट टाइम जब उसने फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो वो कोई कोचिंग में एनरोल नहीं है, जस्ट यूट्यूब पे फ्री कंटेंट फॉलो कर रहा है, तो उस टाइम उसको बुक फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए बुक फॉलो। बुक्स पढ़ना तो बहुत अच्छा ही होता है, हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग ही बनते हैं बुक्स पढ़ने से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स मैथ्स के अलग अलग टॉपिक पे हैं। अभी तो मुझे उस चीज के बारे में इतनी है नहीं नॉलेज, क्योंकि अभी मैंने पढ़ी नहीं है बुक्स, सिर्फ कोचिंग पे था मेरा बेस सारा पढ़ाई इसलिए। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर कोई इनिशियल स्टेज में है और इसके बारे में प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, तो उसको बुक्स पे फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलर जो भी लीनियर अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी है उसकी जो भी बेस्ट बुक है वो पढ़े हो ऐसे। ओके। सो सोनिया, अभी आपकी ऑर्डिनरी 43 आ गई है, सो आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हो? अभी मैंने आईआईटी दिल्ली चूज करा है और वो मैं चाहूंगी वो मुझे मिले, और उसका अब ओके, आ भी गया है, होपफुली। फर्स्ट राउंड रिजल्ट आ भी गया है, मिल भी गया है। थैंक यू, ओके, बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो यू। सोनिया, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ओनली 43 और आपको अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट एट दिल्ली मिल गया, तो इसके लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक सो यू। एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, अगर आप अपने जूनियर्स के साथ कोई ऐसे इंसाइट्स, कोई ऐसा मैसेज शेयर करना चाहो जिसकी हेल्प से उनकी भी जर्नी आपकी तरह स्मूथ हो जाए, वो आपकी तरह अच्छी रैंक के साथ आईआईटी जेईई क्वालिफाई करे। मेरा तो उन जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, मेरा मानना है कि जो भी कॉन्सेप्ट तुम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके अगर कोचिंग कर रहे हो तो टीचर्स के नोट्स पे फोकस करो, जो पहले थ्योरी पे, बिल्कुल सॉरी थ्योरी पे फोकस करो। क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से कभी कभी क्या होता है, नहीं देखते क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, क्योंकि बच्चे एक्साइटमेंट है, पहले मैं क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ और देखते कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहले तुम अपना कॉन्सेप्ट और थ्योरी वो अच्छे से क्लियर करो, एंड देन गो टू क्वेश्चंस पे जाओ। ओके, तो ये मेरा मानना है, ये चीजें करो। और अगर कोई कोचिंग पे नहीं जा रहा है तो वो बुक्स को प्रेफर करे, बुक से शुरू करे, स्टेप बाय स्टेप अपने कोच जो भी कॉलेज में है, ग्रेजुएशन जहाँ से कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम निकाले, और अपना धीरे धीरे जो भी बुक्स वो फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पे वो उसको करे, और है ना आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करें, और मतलब उसको उसको कंटिन्यू करें उस चीज को। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। सो अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो मेक श्योर आप एक अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए,
एक प्रॉपर मेथड के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। और जैसा कि अभी सोनिया ने बताया कि अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई कोचिंग में एनरोल नहीं हो, तो आप बुक का रेफरेंस ले सकते हो या कोई यूट्यूब चैनल का रेफरेंस ले सकते हो, जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो आई थिंक हाँ यही आज के इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन था। सो थैंक यू सो मच सोनिया फॉर योर टाइम एंड थैंक वंस यू अगेन पलारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस।